आज हम आपको एक खास खबर बताने जा रहे हैं, जो कि मीरा भाईंदर शहर के उत्तम परिसर में जो डंपिंग ग्राउंड है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और यहाँ की जो जनता है वह जहरीले वातावरण में जीने के लिए मजबूर हुई है, क्योंकि इस डंपिंग ग्राउंड में से निकलने वाला जो लीचर है, दूषित पानी है, उसकी वजह से यहाँ का जो जनजीवन है वह अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे इलाके में जहरीली हवा फैल चुकी है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अब बरसात का मौसम है तो इस डंपिंग ग्राउंड में से लीचर बहकर नीचे आ रहा है और पूरे लोगों के घरों में फैल रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विधायक गीता जैन ने राज्य सरकार से 9 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की है, ताकि इस डंपिंग ग्राउंड में एक दीवार बनाई जाए और इस दीवार के माध्यम से उसे लीचर को रोका जाए। आइए जानते हैं विधायक गीता जैन से। उत्तन में डंपिंग ग्राउंड के पास हमारे कुछ शेतकरी भाई हैं, उनकी जमीन में लीचर जाके वो जमीन बेकार हो गई थी और वो उसका खेती के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे थे। 5 साल हो गए उनकी जमीन कोई उपज नहीं दे रही थी और लीचर था कि वो वहाँ से रिसते हुए जाते हुए जमीन को और बदतर करता जा रहा था। तो मैंने 9 करोड़ का फंड मंजूर कराया, वहाँ एक थिक वॉल नाले के साथ बनाई जाएगी, कचरे का लीचर उस नाले से बह के आगे जाएगा जहाँ उस पर प्रक्रिया की जाएगी, उसके लिए सीमेंट की टंकी बनाई जाएगी और थिक वॉल इतनी होगी कि लीचर आगे वॉल से आगे खेतों में नहीं जाएगा, ताकि उनके खेत बच सके लीचर से और वहाँ वो कुछ खेती कर सके। बस ये बारिश के ख़त्म होते होते ये भीत बनाना चालू हो जाएगा और 2-3 महीने में ये भीत और नाला बन के कम्प्लीट हो जाएगा और उसके बाद से जो भी लीचर होगा वो हमारे खेतों में नहीं जाएगा। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।